नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल, मेरे यानी सारा सिंह के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। गया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड प्रशिक्षण गया जिला भाजपा कार्यालय सरलपुर में 7 जिले का प्रशिक्षण भारत सरकार के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस कार्ड से कोई भी व्यक्ति 5,00,000 रुपए तक मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की गई है। इस कार्यशाला का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह गया शहर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गरीब आदमी बीमारी के इलाज में दर दर भटकते रहते थे, उस गरीब गुबरे के लिए संजीवनी बूटी की तरह 5,00,000 रुपए तक इलाज की निशुल्क व्यवस्था की गई। पूरे बिहार में 6 करोड़ बनाना था, लेकिन मात्र 22,00,000 से ऊपर आयुष्मान कार्ड बना। बिहार सरकार द्वस भावना रखते हुए मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट को चाचा भतीजा के द्वारा गरीबों को इस योजना से वंचित किया गया है। जिस तरह से भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत गौरव रथ को हर पंचायत में रथ के माध्यम से जानकारी देना है, उनकी जानकारी से वंचित के लिए बिहार सरकार सरकारी मशीनरी के द्वारा रथ को घुमाने नहीं दिया जा रहा है। मैं स्वयं इस रथ के स्वागत के लिए 31 नवंबर को गया में आगमन होना था, लेकिन पटना से रथ नहीं भेजा गया। कोच प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान में विकसित रथ खड़ा पाया गया, जहां इन बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस रथ को बंद करवा दिया गया है। लाख बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के योजनाओं को अवरुद्ध कर ले 2024 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में परचम लहराते हुए बिहार से 40 में 40 सीट जीतकर बिहार की जनता मोदी को आशीर्वाद देंगे। इस अवसर पर 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से इंडिया गठबंधन पूरी तरह मायूसी छाई हुई है। धन्य है भारत माता के सपूत जो देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री को गारंटी को स्वीकार जो देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री को गारंटी को स्वीकार किया है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश चिंटू सिंह ने 7 जिला से आए अतिथियों का स्वागत किया है। राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता, योगेश कुमार, कमल सिन्हा, वंदना कुमारी, जिला मीडिया प्रभारी संतोष ठाकुर, कोषाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, राहुल रंजन यादव, सोशल मीडिया संयोजक जीत सिंह, जिला कार्यालय मंत्री राजेश सिंह, जीत सिंह ने प्रशिक्षण वर्ग को सहयोग किया है। इस अवसर पर 7 जिला गया, कैमूर, सासाराम, नवादा, अरवल पास से आए हुए प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण लिया है। सबसे पहले तमाम लोगों को कल जो उस परिणाम में अपने 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचार तमाम कार्यकर्ताओं को, आशा है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।